अच्छा भाई, तो मामला ये है कि हमारी फ़्लाइट तो 12 बजे की थी, लेकिन अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। अभी 1 घंटा रहता है हमारा वेट करें, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो हम जल्दी आ गए थे। अभी वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 घंटा वाले। अभी तो खैर जहाज़ भी नहीं लगा, हम गेट के बिल्कुल सामने बैठे हैं। वो आ रहा, शायद आ रहा है जहाज़, पता नहीं। खैर जब भी आएगा चिंची जहाज़ है तो खैर आप लोग को बताएंगे। अभी मैं ये नहीं बता रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी अभी हम मस्कत जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा स्टे है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन जब पहुँचूंगा तो आपको बताऊँ। तो भाई अभी हम लोग लैंड कर गए हैं मस्कत एयरपोर्ट पर। आपको मैंने बताया था हम लोग मस्कत जा रहे हैं, और फ्लाइट में वीडियो मैंने जो है वो सिनेमैटिक टाइप ही बनाए हैं। यहाँ पे आई थिंक इशू नहीं होगा, पाकिस्तान में इशू हो गया था एयरपोर्ट में, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। जो मैंने बनाई वो भी आप देखें, मैंने बहुत नीचे के एंगल से बनाई, क्योंकि वहाँ पर मुझे बनाने नहीं दे रहे थे। लेकिन ये कितना ज़बरदस्त एयरपोर्ट बना हुआ है मस्कत का, आप चेक कर सकते हैं। और क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। मतलब आप बाहर भी देखें, फुल सहरा वाली वाइब है, ये चेक करें आप। तो मामला यह है कि अभी हमारा यहाँ से दूसरे टर्मिनल पर जाना है, फिर फ़्लाइट पकड़नी आगे की। लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ भाई, ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ है यहाँ पे। ये है मस्कत का एयरपोर्ट। 1 घंटे का स्टे था, मैंने आपको इस तरह बताया था कि हमारा स्टे तो है, लेकिन 1 घंटे का बताया था। तो हमारा हो गया, और बस अब जो है आगे की तरफ निकलते हैं, और बस इंशाल्लाह खैर खैरियत से हो जाएगा। अभी हमारा थोड़ा सा जहाज़ लैंड होने में भी टाइम लग गया था, क्योंकि वो 4-5 कोई VIP मूवमेंट थी, तो उसमें ऊपर ही जहाज़ घुमाई जा रहा था वो पागलों की तरह। खैर लैंड हो गए, और थका भाई बहुत हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हल्के वल्के पड़े हैं, क्योंकि सोया नहीं हूँ। स्लीप साइकिल ख़राब है हमारा शुरू से ही। तो ये है कि अभी इस फ्लाइट में सोऊंगा, फिर जहाँ हम असल में जा रहे हैं वहाँ जाके आपसे मुलाकात होती है। अच्छा भाई, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ मैंने पहुँचना था। ज़्यादा व्लॉग मैं आज नहीं बना पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थकान बहुत है, जिससे मैंने बताया कि यार मैं रात को ना सोया नहीं हूँ सही से, 1-2 घंटे सोया हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत थी आने की। मस्कत से निकल गए तो उसका व्लॉग इतना नहीं बनाया, लेकिन अब मैं रिवील कर रहा हूँ हम कहाँ पहुँच गए। वैसे तो बहुत से लोगों ने गेस कर लिया होगा, लेकिन अब हम पहुँच गए हैं भाई मदीना मुनव्वरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस अभी बस रेडी हो गई, हमारी बस रेडी हो रही है, एंड देन वी वुड बी ऑन आर वे टू मस्जिद नबवी। पहले होटल जाएंगे ऑब्वियसली, चेक इन वगैरह करेंगे, फिर इशा की नमाज के मगरब तभी हो जाएगी, यहीं पढ़ लेंगे। अभी तो बस भरना शुरू ही नहीं, पहला बंदा मैं हूँ जिसने बस में सामान रखा है। मगरब यहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इशा हम लोग मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा वैसे मूड ये था मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि थकान और सिर्फ ट्रैवलिंग थी, कुछ दिखाने के लाइक था नहीं, ना ज्यारतें ना कुछ, वो सब चीज़ें कल से हैं, जैसे रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। तो मैं इस व्लॉग को कल वाले व्लॉग के साथ जोड़ूंगा, लेकिन बाकी व्लॉग फिर मैं डेली बनाऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा थकान भी हो गई और आज कंटेंट भी उतना नहीं था, बस ट्रैवलिंग थी। तो मतलब मैं आपको जहाज ही दिखाता रहता यार, ये सब चीज़ दिखाता रहता, तो मज़ा नहीं आता। तो अभी ये कि मदीना पहुंच गए, आपसे प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू होगी। इससे पहले ये भी हुआ कि कराची एयरपोर्ट में उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, और फिर एयरपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पे बाबा ने नहीं बनाने दिया, कि उन्होंने कहा कि बेटा पाकिस्तान में रोक लिया तो यहाँ तो अरबी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये भी सही है, छोड़ देते हैं, लेकिन अब यहाँ से प्रॉपर व्लॉगिंग हमारी स्टार्ट होगी। तो मामला दिया कि हम पहुँच गए मदीना, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरी जर्नी हमारी। तो भाई ये है हमारा प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज़ मदीना का एयरपोर्ट। अच्छा भाई, मामला दिया आपको मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ क्या हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है। अच्छा भाई, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि वेट है बस भरने का, लेकिन कोई आया ही नहीं भाई, मैं अकेला ही पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो सीन ये है कि अभी आगे हैं 3-4 लोग और मैं हूँ, मैं पीछे आके बैठ गया ब्लॉक के चक्कर में। लेकिन भाई मामला यह है कि हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि मगरब के पढ़ने के बाद ही निकलेंगे यहाँ से, कि बस भर जाएगी, लेकिन बस तो कोई नहीं भरी। लेकिन चलो ये है कि अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको अगला शॉट में या तो होटल का दिखाऊंगा या मस्जिद नबवी का दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15। मैंने रात को व्लॉग नहीं किया था, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। मैंने आपको इसमें बताया था इशा हम हरम में ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरा खुद फर्स्ट टाइम था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बर्बाद नहीं करना चाह रहा था व्लॉग के चक्कर में। और उसके अलावा ये है कि मेरा ये वाला होटल हमारा है पीछे, ये रमा अल मदीना, ये होटल मैं आपको सब कुछ टूर करा दूंगा। लेकिन अभी सुबह के 4:15 तहज्जुद का टाइम है, निकलेंगे यहाँ से वापसी हरम में, और फिर वहाँ पे क्योंकि हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि हरम के अंदर जगह मिल जाए। कल तो बहुत रश था, तो मैंने तो छत पर पड़ी थी, लेकिन अम्मी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो ये है कि अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ, और वहाँ पर जाके अभी जो है अंदर जगह मिलेगी, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। और अभी मैं आपको मेन हरम भी दिखा दूंगा, क्योंकि इस टाइम रश कम है। उस टाइम तो रश भी बहुत था, और मेरा खुद का फर्स्ट टाइम था और थका भी था। मैंने कहा नहीं, इसके अलावा हमने अलबैग भी रात को फिर खा लिया था, लेकिन वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया, कि दोबारा अलबैग खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन भाई मामला यह है कि ये देखें, हम लोग इस वक्त मदीना की सड़कों पर घूम रहे हैं,
और ये एक ही व्लॉग होगा कल वाला और आज वाला, लेकिन उसके बाद फिर मैं नए नए व्लॉग्स बनाऊंगा हर दिन के। आज भी बाबा पता नहीं जाते बता रहे थे, तो वो तो बाबा को आइडिया है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, वो आते रहते हैं तो उनको पता है। मैं आपको अब चलते हैं गेट पे और आपको दिखाते हैं आगे के मामला। तो भाई माशाल्लाह से ये हम लोग एंटर हो रहे हैं हरम के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं यार इतना ह्यूज, और क्या बात है, मतलब फीलिंग ही और है इस तरफ। ये भाई गेट नंबर 301 है, इससे अभी हम एंटर होंगे। आप रश देख सकते हैं इस वक्त भी कितना है, हालांकि ये कोई मतलब तहज्जुद का टाइम है, ये अभी वो वाला टाइम नहीं है, जमात का टाइम नहीं है। तो भाई ये है हरम के अंदर का मामलात, ये आबे जमजम पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी खैर अज़ान में टाइम है, इसको एडिट ऐसे करूँगा कि बाद में वॉइस ओवर कर लूँगा, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, एक तो एहतराम और वैसे भी भाई कुछ बोला ही नहीं जा रहा क्या करें। लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद नबवी में इस वक्त खड़े हैं, यकीन ही नहीं आता यार। बाय द वे बाबा भी साथ हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा बता दूँ फिर भी। अच्छा भाई तो अभी हम लोग जोहर पढ़ के निकले हैं और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, आपको इतना कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन बारिश हो रही है। मेरा इरादा नहीं था दोपहर के टाइम वीडियो बनाने का, क्योंकि वो मेरा कल की वीडियो है, क्योंकि कल रियाजुल जन्ना भी है और दोपहर के टाइम जुम्मा भी है, तो मैंने तब दिखाना था, लेकिन मैंने कहा ये मोमेंट तो आपको दिखाना पड़ेगा व्लॉग में, वरना आज मेरा यही मूड था कि रात रात में रखेंगे पूरा व्लॉग। तो ये है भाई मामला कि आप देख सकते हैं क्या माशाल्लाह मोमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं बादल उस तरह नहीं है, मगर हमारे ऊपर ये देखें, ये देखें भाई, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आप ये देख सकते हैं दोपहर के टाइम जो है ना, ये छतरियाँ ये जो हैं ये खुल जाती हैं, इनको छतरियाँ कहते हैं क्या कहते हैं, छतरियाँ हैं ये खुल जाती हैं। अभी देखें कुछ बंद है, बारिश हुई है तो खोल दी, मैंने सारी खुली हुई थी जब हम आए हैं, तो हाँ बारिश हुई है तो बंद कर दी इन्होंने। आप लोग देख सकते हैं यार मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैंने आपको इसमें भी बताया कि मेरा इस तरह मूड नहीं था अभी वीडियो बनाने का आज, क्योंकि मैंने सोचा था कल जुम्मे का दिन है, कल दोपहर के टाइम अच्छी वीडियो बनेगी, रियाजुल जन्ना भी है हर चीज़ है, लेकिन जो मौसम हो गया तो मैंने कहा यार ये कैप्चर करना, क्योंकि ये व्लॉग्स मैं कोई यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा, ये मैं हमारा अपना ट्रिप है तो हम यूट्यूब पर डाल देंगे हमेशा के लिए, यूट्यूब पर सेव कर लेगा यूट्यूब, मतलब फिर कहीं से डिलीट नहीं होगा, तो ये उस नीयत से बना रहा हूँ सारे। तो ये है कि भाई आप देख सकते हैं यार माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। बाकी इंशाल्लाह आपको शाम में मैं एक अजान भी इसमें रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ताकि इशा की अजान अजान जो है वो भी हमारे व्लॉग में आ जाए। तो ये है कि असल में जर और जोहर का मसला ये है, सो के उठ के आते हैं तो होश आते आते ही टाइम लग जाता है, तो हाँ मैं क्योंकि मैं तो भाई अब मैंने पहले बताया मस्कत एयरपोर्ट पर बताया था कि मैं दिन के टाइम का बंदा ही नहीं हूँ भाई, मुझसे रात में काम होते हैं जो भी होते हैं। तो खैर मामला ये है कि इंशाल्लाह आपको आज अजान भी सुनाएंगे, हाँ भाई ये आपको हरम की मैं ज़ियारत करा रहा हूँ, कर लें और अपनी दुआएँ वगैरह जो भी हैं वो मांग लें, भले डिजिटली ही सही, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो भैया आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइम हरम के अंदर खड़े हैं और आप मेरे ऊपर बूंदे गिरते देखें, मतलब बहुत ही हल्की हल्की बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है, मतलब ऐसी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर क्या माहौल बना हुआ है यार। मतलब मैं आपको बताऊं, बस मैं कर रहा हूं ब्लॉगिंग लेकिन मेरा इतना दिल नहीं चाह रहा, मतलब मुझे होता है कि अपना इन्जॉय करो, लेकिन फिर ये होता है कि यार हमेशा के लिए इसको जो है एक तो डाल देंगे यूट्यूब पर और आप लोग भी वीडियोज़ देख के किसी को शौक पैदा हो जाए तो फिर उसका सवाब भी मुझे ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं भाई मामला ये हैं, और हमारे इस टूर के गाइड जो हैं वो बाबा खुद हैं वो खड़े हुए, क्योंकि उनको सब पता है रियाजुल जन्ना वगैरह में भी, क्योंकि टाइम कम है, जिससे सुबह फजर के टाइम हमने रोजे पे हाजिरी दी थी तो बाबा ने मुझे वहाँ भी गाइड किया, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन बाबा का मैंने आपको बताया 2022 में भी आपको याद होगा, मैंने जब जानवर खरीदा था मैंने कहा था बाबा नहीं हज पे गए हैं, उससे पहले ही बाबा तो उम्रों पर आते ही रहते हैं, अम्मी का भी सेम सीन है, तो मैं ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत ही मतलब डिफरेंट और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो खैर है भाई आप देख सकते हैं सफाई सुथराई भी यहाँ पे प्रॉपर जारी है, मतलब आपकी सोच इस टाइम कितना रश है आप लोग देख ही रहे होंगे, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार मेरे अब्बू कह रहे हैं कि मैं जब हज पे आया था ना 2 साल पहले तो मस्जिद नबवी में इतना रश नहीं था, हरम में तो होता ही है लेकिन मस्जिद नबवी में इतना रश नहीं था, लेकिन आजकल यहाँ पे इतना रश है कि आपकी सोच है
मैं तो अभी हरम गया नहीं हूँ, मतलब मक्का अभी तक पहुँचे नहीं हम लोग। उमरा थोड़ा लेट है हमारा, 3-4 दिन बाद है। मंडे को इंशाल्लाह उमरा करूँगा, आज है थर्सडे। तो ये सीन है, लेकिन यार आप देख सकते हैं सफाई सुथरा, मतलब वो कहीं से भी लगेगा यार, लाखों लोग आए हुए। मतलब आप लोग को यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वीडियो से सिर्फ शौक में आपका पैदा कर सकता हूँ, लेकिन जब आप आएंगे और आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह यार, मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये एक्सपीरियंस करने के लिए ना जब मौका मिले आ जाओ भाई, ये नहीं देखना कि ये मसरूफियत वो मसरूफियत। तो भाई अभी हम आ गए हैं क्रिएशंस म्यूजियम, जमजम पुलमैन आपको दिखाता हूँ, जमजम पुलमैन मदीना, उसके साथ यहाँ पे ये म्यूजियम है। इसकी छत पे खाने की जगह है। रात को मैंने अलबैग खा लिया था, इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन अभी मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, वो मैं दोबारा बना लूँगा, क्योंकि अलबैग तो हम खाते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये हमें किसी ने रिकमेंड किया था भाई शवारमा सिटी आना, तो उधर हमने थोड़ा सा ऑर्डर किया है। बाकी अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि चलो आए हैं तो और भी कुछ ट्राई हो रहा है, जैसे ना ये उज़्बेक स्पेशल कुजीन, उज़्बेक कुजीन हमने कभी नहीं खाए तो वो देख लेंगे। लेकिन भाई मामला ये है कि आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा ही म्यूज़ियम बना हुआ है, आप चेक करें A to Z। लेकिन यहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खा के मैं आपको बताता हूँ, रिव्यू देता हूँ भाई शवारमा सिटी कैसा है। अच्छा भाई आप लोग को ये ना लग रहा हो कि भाई ये 2 दिन से एक ही कपड़ों में घूम रहा है, मैंने रात को बदले थे सोने के लिए, सुबह फजर भी मैंने दूसरे कपड़ों में पड़ी है, आपने अगर देखा हो। मैंने वैसे ऊपर हुडी पहनी हुई थी क्योंकि मुझे सर्दी लगती है बहुत, मैं बड़ा सुस्त हो गया हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि AC में मैं सोता नहीं हूँ। जब से यहाँ पे आया हूँ AC में एक दो बार सोया हूँ और मेरी हालत अब हो गई ख़राब। अब मैं जाके थोड़ा एक्टिव हूँ, वरना जोहर के टाइम भी मैंने स्लीप ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, हो क्या रहा है, मुझे बाबा पकड़ के लेके गए। तो खैर मामला ये कि हम लोग वेट कर रहे हैं अपने खाने का शवारमा सिटी के बिल्कुल सामने, 15 मिनट बाद खाना आएगा, फिर मैं आपको रिव्यू देकर बताता हूँ कि भाई कैसा है। क्योंकि देखो अलबैग पे रश बहुत होता है, हर बंदा वहाँ जाने का सोचता नहीं, क्योंकि कल भी हमें 1-1.5 घंटा लगा। तो मामला ये कि मैंने कहा कोई ऐसी जगह ढूंढ के जाऊँ जहाँ पे लोग आराम से आ सकें, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई तो हम लोगों ने खाना खा लिया यहाँ पे शवारमा सिटी पे, आपको मैंने बताया था इस तरह, और बहुत अच्छा खाना था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि यार अलबैग की लाइन में अगर आपको नहीं लगना तो आगे यहाँ पे ग्रोस ले लो, ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का था। तो ये मेरा रिव्यू है भाई, बहुत लंबा चौड़ा रिव्यू नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ ज़बरदस्त है। हमने खाया था शवारमा और ब्रोस्ट, ब्रोस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ज़बरदस्त है, थोड़ा प्राइस में एलबैग से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सुकून ज़्यादा है ना, बिल्कुल बाहर बैठ के आराम से सीटिंग हमने खाया है, कोई लाइनों में नहीं लगे हुए, कोई पार्क पर बैठ के नहीं खाना पड़ा, कोई टेंशन। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा, और एलबैग तो आप करेंगे करेंगे मुझे पता है। भाई अभी हम लोग असर पड़ के निकले थे, तो मैंने कहा आपको दोबारा से एक बार मामला दिखा दूँ। ये मैं थोड़ी अलग साइड पे आ गया, हर दफ़ा हम अलग गेट से जाता हूँ, जरा अलग अलग जगह पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग आए हुए थे अली इमाम मुस्लिम गेट पे, 33-32 है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं पंखे चल रहे हैं, इनसे हवा दे रहे हैं, और ये अम्ब्रेलास तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी दोपहर में। भाई मामला ये है कि आप लोग को मैं ज़्यादा कमेंट्री में नहीं करूँगा, जहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला है, रात को जो व्लॉग हमारा ही खत्म होगा वो ईशा की अजान पे होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अंदर जो भी ज़्यारतें होंगी या जो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, जैसा कल से शुरू होगा जो नॉर्मल रियाजुल जन्ना है, और ज़्यारतें भी हमने प्लान की हुई हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कहा आप लोग को फिर भी दिखाता रहूँ कि चलो यार जो 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 मेरे हाथ लगता जा रहा है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे इससे आगे फिर वो लेडीज सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो भाई ये हम लोग थोड़ा सा बैक साइड पे आ गए, मैं आपको अभी से थोड़ी देर पहले तक जो है शुरू से फ्रंट साइड दिखा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ पे रोज़ा है, तो वहाँ पे लोगों को बड़ा होता है कि भाई वहाँ दिखाएं, वहाँ की ज़ियारत कराएं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं भाई ये नया कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पता नहीं अभी क्या है, लेकिन ये यहाँ पे व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, देख रहे हैं पीछे माउंटेन्स और ये मस्जिद में हम लोग चलते आ रहे। जाहिर सी बात है रात को तो हम लोग आए हुए थे थके हुए थे, तो उस हिसाब से मैंने देखा रात के टाइम व्लॉगिंग भी नहीं करी। सुबह भी मैं उठा तो थोड़ी सी मतलब तबीयत सही नहीं थी, सेट नहीं थी मेरी, मजे की नहीं थी, तो फजा वजा पड़ के आगे सो गए थे। अब जरा हमने चलना फिरना शुरू किया, दोपहर में भी मतलब अच्छा खासा खाना पीना हर चीज़ हुई। अब जो है यहाँ पे ईशा के बाद ही घर जाएंगे, मैंने कहा आप लोग को जरा अपने साथ साथ लेके चलूँ। लेकिन भाई आप ये देख सकते हैं ये सारा बैक साइड है, मैंने अभी तक नहीं दिखाई थी, ये आप देख सकते हैं, और बहुत रश है, आप लोग चेक करें हद से ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो भाई ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है ये है ओहद का पहाड़, यहाँ पे गज़वाए अहद हुई थी, बड़ी हिस्टोरिक जगह है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी इस्लाम की 3 जंगें तो सब नहीं पढ़ी हुई है, गज़वाए बदर, गज़वाए अहद, गज़वाए खंदक। तो ये उसमें से अहद का पहाड़ ये है भाई सामने, बिल्कुल आपके जो रेड वाला पहाड़ है ये अहद का है, और ये आपको मैं जरा थोड़ा सा मस्जिद का भी और व्यू कराता हूँ, चेक करें यार। एक मतलब एक बार जो है ना आप देख रहे हैं मेरे मुँह में अल्फाज नहीं आ रहे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ये वाला मामला है, मतलब आके देखना पड़ेगा ये वीडियोस में, हम भी देखते हैं शुरू से घर में हमारे वो बाबा कावा की लाइव स्ट्रीम लगा देते थे या मदी की लाइव स्ट्रीम लगा देते, देखते तो हम भी शुरू से हैं, लेकिन अब यहाँ पे आया ना तो पता चला है कि भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई भी अलग है, मतलब डिस्क्राइब ही नहीं हो रही, फीलिंग ऐसी है भाई। ये आप चेक कर सकते हैं गेट नंबर 336-334, ये थोड़ा सा मेन गेट साइड है इस साइड की, जो वहाँ की है वो तो मैंने आपको दिखा दी, वो जो वहाँ की है वो तो हमारी जहाँ से हम आते हैं वो है, हम यहाँ पे घूम रहे हैं पूरा, जाहिर सी बात है पूरे मस्जिद में भी का टूर लिया है। बाकी ये पूरा शहर है माशाल्लाह ज़बरदस्त। भाई ये सामने मस्जिद नबी है, और यहाँ पे जो है ना ये अलग सी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, अफगानिस्तान का फूड, टर्की फूड, इटालियन फूड, सारे फूड ना इस वाली फूड स्ट्रीट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से लेके
यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक फूड स्ट्रीट बनी, मतलब फूड स्ट्रीट तो खैर बहुत है, मतलब हर एक चीज अवेलेबल ही है यहाँ पे, मगर मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ कि रीजनेबल प्राइस पे अगर आपको कुछ खाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वरना ये फाइव स्टार होटल्स के अंदर जो है यहाँ पे थोड़ा महंगा ही सामान चला है, लेकिन सामने आपके भाई हरम है। तो भाई ये मैं उसकी एंड पे आ गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल है, करीम की ऐप डाउनलोड करें, यहाँ से ले लें, चलाएं, वापसी लाके खड़ी कर देगा, मसला नहीं है। ये कोई पाकिस्तान जाने की बाइक गायब हो जाएगी। इस तरह भाई ये देखें सारा ये है, एंड में सामने आपको मस्जिद नबी नजर आती है। मैं आप बार बार दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आएंगे, कि मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ वो इसके पीछे वाली जगह है, मतलब वहाँ पे जरा पाकिस्तानी मॉल है, मतलब यहाँ पे आगे आपको लग रहा है यार हाँ मैं पाकिस्तान से बाहर आ गया, वहाँ पे सारे उर्दू बोल रहे हैं, मतलब होटल में भी सब उर्दू बोल रहे हैं, रिसेप्शन में भी सब उर्दू बोल रहे हैं, और वहाँ पे मॉल भी सारा उर्दू, ऐसा लग रहा है बहरिया टाउन में आगे रह रहा हूँ, मतलब वो साफ सुथरा है मगर है पाकिस्तान। लेकिन ये जो है ना थोड़ा यहाँ पे वाइब ऐसी है कि आपको लग रहा है यार मैं इंटरनेशनली मतलब अपने मुल्क से बाहर आ गया हूँ, वो यहाँ पे वाइब लग रही है, कि हर किस्म का बंदा यहाँ पे नजर आ रहा है, वो देखें वो सामने है ना, मतलब यहाँ पे वाइब थोड़ी सी अलग है इस मतलब इस साइड पे, उस साइड पे ऐसा ही है कि भाई पाकिस्तान में घूम रहे हैं, कोई मसला ही वाले बात ही नहीं है, घर वाली बात है, मतलब किसी से भी उर्दू बोल दो आगे उर्दू में जवाब देगा, कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं वहाँ। इधर भी वैसे नहीं होगा, मैं किसी से भी उर्दू बोलूंगा मुझे पता है कोई ना कोई जवाब दे ही देगा, इस तरह वो सामने पाकिस्तानी होटल ही है। ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर वाला आपको इशू कभी भी नहीं होगा, मतलब अरबी भी यहाँ पे उर्दू बोल रहे हैं टूटी फूटी, मसले वाली बात है ही नहीं। तो ये है मामला, अब आपको हम मिलते हैं मगरिब पे या उसके बाद, क्योंकि आपको बताया हमारे आखिरी शॉट होगी वो हमारी ईशा की अजान होगी, उस पर मैं ये व्लॉग एंड कर दूंगा। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मगरिब का टाइम होने वाला है बाहर, अगर आपको नजर आ रहे हो मामलात, और यहाँ पे भाई अफ्तारी शुरू हो गई है, मतलब अफ्तारी लगना शुरू हो गई है, अभी शुरू तो नहीं हुई ऑब्वियसली, अफ्तारी के टाइम पे अफ्तार हो गया। अब मेरा कोई रोजा वोजा तो नहीं है, लेकिन अफ्तार करने का अपना सवाब है तो इंशाल्लाह करेंगे, ये बाबा का है ये मेरा है, और बस ये मामलात हैं कि मैंने आपको बता दूं भाई। मैं अभी असल में ना आज की वीडियो इतनी नॉलेजेबल शायद आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद अभी आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल से रियाजुल जन्ना भी है, जुम्मा भी है, उसके बाद सैटरडे को भी ज्यारतें वगैरह भी होंगी, तो आपको साथ साथ लेके चलूंगा, हर चीज दिखाऊंगा, गाइड वाइड भी करूंगा, और जितना मुझे पता है मैं आप लोग तक कन्वे करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी हम भी सीख रहे हैं, आप भी इंशाल्लाह सीखेंगे, खुद भी आएंगे तो भी सीखेंगे, वीडियो से भी कुछ चीजें सीखेंगे। भाई अभी हम लोगों ने मगरिब पढ़ी थी, उसके बाद काबा और खजूर का सिस्टम यहाँ पे ऑन है, बाबा पी रहे हैं, मैं पी चुका हूँ। तो भाई अभी आपको मैंने जिस तरह अफ्तारी दिखाई थी, मैंने कहा था मैं भी करूंगा, उसका सारा वेस्ट है जो कि इन्होंने साफ कर दिया है, कोई गंद नहीं, आप चेक कर सकते हैं भाई, मैं इस वक्त अंदर ही घूम रहा हूँ और अपना ही घूम रहा हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब ये देख के जो है ना खुशी होती है कि यार देखो निजाम बना हुआ है प्रॉपर, हर चीज यहाँ पे हो रही है। Thank you.
अच्छा भाई, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। आप लोग मेरे पीछे सारा रश देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर बहुत रश है। पीछे आपको मस्जिद नबी भी हमने सारा करा दिया। ये हमारा पहली वीडियो थी, कल से हमारी दूसरी वीडियो शुरू होगी। कल का एजेंडा भी सारा सेट है, हर चीज सेट है, तो आप लोगों की टेंशन नहीं लेनी, बस आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सबको दुआ में याद रखूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है भैया, पीस आउट।